ब्रह्मवैवर्त पुराण अपन पुराण के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति समस्त पापों से मुक्ति पा जाता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। देवशयनी एकादशी व्रत से ही चातुर्मास का प्रारंभ हो जाता है। मान्यता है कि इस दिन से ही भगवान श्रीहरि 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। सर्व कामना पूर्ति के लिए देवशयनी एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है, अर्थात देवशयनी एकादशी के व्रत से व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी, पद्मा एकादशी और आषाढ़ी एकादशी भी कहा जाता है। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार श्रीहरि विष्णु आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से 4 महीने के लिए अपने भक्त राजा बलि के द्वार पर पाताल लोक में निवास करते हैं और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को वापस लौटते हैं। इसीलिए आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। पद्म पुराण, भविष्य पुराण और श्रीमद भागवत पुराण के अनुसार हरिशयन को योग निद्रा कहा जाता है। पुराणों में तो यहाँ तक कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति अनजाने में भी देवशयनी एकादशी अर्थात हरिशयनी एकादशी का व्रत कर लेता है तो वो भी समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। आइए जानते हैं कि 2023 में देवशयनी एकादशी तिथि का प्रारंभ कब हो रहा है, इस तिथि का समापन कब हो रहा है और इस व्रत का प्रारंभ कब से कब तक है। 2023 में देवशयनी एकादशी तिथि का प्रारंभ 28 जून की रात में अर्थात 29 जून की भोर में ब्रह्म मुहूर्त शुरू होने से ठीक थोड़े पहले 3:18 से प्रारंभ हो रहा है और देवशयनी एकादशी तिथि का समापन 30 जून की रात्रि में 2:42 पर हो रहा है। इस प्रकार 2023 की देवशयनी एकादशी का व्रत उदय तिथि के आधार पर 29 जून दिन बृहस्पतिवार को रखा जाएगा और इस व्रत का प्रारंभ मुहूर्त 30 जून दिन शुक्रवार की सुबह 8:20 से लेके 10:05 तक है। इस साल देवशयनी एकादशी का व्रत बृहस्पतिवार को पड़ जाने से उसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु का दिन माना जाता है। सभी एकादशी तिथियों में श्रीहरि की पूजा की जाती है, लेकिन देवशयनी एकादशी की तिथि से भगवान श्रीहरि का सायंकाल प्रारंभ होता है, इसलिए इस देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विशेष विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन श्रीहरि की कमल के फूलों से पूजा करने से तीनों लोकों के समस्त देवताओं का पूजन हो जाता है। इस दिन श्रीहरि को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए, उसके पश्चात उन्हें पीले रंग के वस्त्रों से सजाना चाहिए, उन्हें नैवेद्य अर्पित करके पान और सुपारी आदि अर्पित करने के पश्चात उनकी आरती उतारनी चाहिए। आरती उतारने के पश्चात अभी जो मंत्र मैं बोल रही हूँ उसको संस्कृत या हिंदी में अवश्य बोलना चाहिए। भावपूर्वक इस हरिशयन मंत्र को बोलें। सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जमत सुप्तम भवेदिदम वि बुद्धे त्वयि बुद्धम च जगत सर्व चराचरम, अर्थात हे जगन्नाथ जी, आपके सो जाने पर यह सारा जगत सुप्त हो जाता है और आपके जाग जाने पर संपूर्ण विश्व तथा चराचर भी जागृत हो जाते हैं। पूजन के पश्चात श्रीहरि से क्षमा याचना अवश्य करें। देवशयनी एकादशी के दिन व्रत करने से भक्त की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, इसलिए इस दिन श्रीहरि की प्रसन्नता के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रों का जाप कीजिए, स्तोत्रों का पाठ कीजिए और कथा का श्रवण कीजिए। इस दिन हम किन मंत्रों का जाप कर सकते हैं, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, या फिर भगवान श्री कृष्ण का बहुत ही प्रभावशाली मंत्र एक और है, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इनमें से जो भी आपका प्रिय मंत्र है उसका ज़्यादा से ज़्यादा जाप कीजिए। इस दिन अगर आपके पास थोड़ा समय है तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए या फिर राधा सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। अगर थोड़ा कम समय है तो फिर आप राधा जी के 32 नाम का है पाठ कीजिए, 108 नाम का पाठ कीजिए, श्रीहरि के 28 नामों का स्तोत्र है जो उसका पाठ कीजिए, और भी भगवान विष्णु के, भगवान श्री कृष्ण के बहुत सारे स्तोत्र बहुत ही अच्छे अच्छे हैं, उनका आप पाठ कीजिए। अपना डेली रूटीन का कार्य करते हुए आपके पास जितना भी समय है उसके अकॉर्डिंग आप ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रों का जाप करें, स्तोत्रों का पाठ करें और कथा का श्रवण करें। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा दृष्टि हम सभी पर बनी रहे, यही मंगल कामना है। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उन्हें देवशयनी एकादशी के बारे में जानकारी प्राप्त हो और इस एकादशी तिथि की उन्हें सही जानकारी प्राप्त हो। इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।